पहला हॉट सीन आता है 11 मिनट्स एंड 43 सेकंड्स पे, एक एक्ट्रेस का एक पैशनेट स्मैक क्लिप सीन और पैशनेट पिटिंग सीन अर्जुन कपूर के साथ दिखाया गया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए कुत्ते ये मूवी के बारे में रिव्यू और पैशनेट टाइमिंग और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में आपको टोटल डिटेल बताने वाला हूँ। सो वीडियो लास्ट तक देखिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएगी। सो लेट्स कम अपॉन इसका आउटलाइन। इसमें बहुत सारे एक्ट्रेस ने काम किया, जैसे कि तब्बू ने, राधिका मदन ने और कोंकणी सेन ने भी इस मूवी में बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। सो लेट्स कम अपॉन इस मेन कंटेंट वो हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहला आता है 11 मिनट्स एंड 43 सेकंड्स पे एक्ट्रेस का एक पैशनेट पिटिंग सीन अर्जुन कपूर के साथ दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 12 मिनट्स एंड 35 सेकंड्स पे एक एक्ट्रेस का पैशनेट पिटिंग सीन अर्जुन कपूर के साथ दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 53 मिनट्स एंड 58 सेकंड्स पे राधिका मदन का एक पैशनेट स्मैक क्लिप सीन पैशनेट पिटिंग सीन कार में दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 56 मिनट्स एंड 15 सेकंड्स पे राधिका मदन का एक पैशनेट स्मैक क्लिप सीन पैशनेट पिटिंग सीन कार में दिखाया गया। और लास्ट आता है 1 hour 2 minutes and 07 seconds पे राधिका मदन का एक पैशनेट स्मॉल लिप सीन दिखाया गया है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स डिटेल। ये रिलीज हुई थी 13th of January 2023 को। इसके टोटल लेंथ है मूवी की वो 2 hours 33 minutes है। इसकी स्टाइल एडवेंचर कॉमेडी में आती है। इसकी लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन हिंदी है। इसका OTT प्लेटफॉर्म अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ और इसके IMDb रेटिंग 4.3 है आउट ऑफ 10। सो लेट्स कम अपॉन इट्स मेन कंटेंट, वो है स्टोरी लाइन। बेसिक स्टोरी लाइन पे आने के बाद हमें पता चल जाता है कि अर्जुन कपूर एक पुलिस ऑफिसर होता है जो रिश्वत लेके बहुत सारे क्रिमिनल्स को हेल्प कर रहा होता है, पर एक बार उसके ऊपर सस्पेंशन का ऑर्डर आ जाता है और वो बहुत गंदी तरीके से फंस जाता है। वो उसको फिरौती के लिए अपने सस्पेंशन उठाने के लिए बहुत ही ज्यादा ट्राई करता है और उसे पता चल जाता है कि उसको 1 crore rupees मतलब एक खोखा देना है उसका सस्पेंशन हटाने के लिए। मतलब वो फिक्सिंग कर रहा होता है अपने सस्पेंशन के लिए और वो अपने जो सीनियर है उसकी बातें सुनकर वो फिक्स करता है कि अब उसको एक वैन लूटना है। और इसी पार्ट पर तब्बू भी दूसरी साइड से प्लान बनाती है, राधिका मदन भी प्लान बनाती है क्योंकि उसका जो बाप है वो बहुत ही बड़ा डॉन होता है तो उससे उसको छुटकारा पाकर बहुत दूर जाना होता है। तो इसीलिए वो अपने जो फियांसे टाइप उसका जो बॉयफ्रेंड है उसको लेकर वो जाती है उसको मारने के लिए। और मारने के लिए वो जाती है और उसको वो चार ही लोग बहुत अच्छे तरीके से उस जो वैन है जो ATM में पैसा भरती है उसको चेस कर रहे होते हैं और उससे पैसे लेने के बाद वो भाग रहे होते हैं। पर इसी मिक्स फीलिंग के साथ तीनों भी टकराते हैं और तीनों भी लोग एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और इसी बात पर बहुत ज्यादा झगड़ा होता है, बहुत मारपीट होती है। उसके ऊपर ही एक नक्सलवादी जो ग्रुप होता है वो वहां पर आ जाता है और उनको फायरिंग करने के लिए लगता है। फायरिंग करते करते उनको समझ आता है कि अब उनका एंड है। इस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन कपूर सबके ऊपर गन फायर करने लगता है और बहुत सारे लोग मर जाते हैं। इसी पार्ट पर तब्बू भी राधिका मदन को मार देती है और कोंकणी भी उस राधिका मदन के हाथों मर जाती है। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ अर्जुन कपूर अकेला रहता है उसमें और अकेला रहने के बाद उसको उस जो ग्रुप को मारने का पूरा क्रेडिट और उस वैन को लूटने का पूरा क्रेडिट मिल जाता है। और लास्ट में दिखाया गया है कि डिमोनिटाइजेशन के वजह से उसका जो पूरे जो लूटे हुए पैसे है वो पूरे पानी में डूब जाते हैं। इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे बहुत सारे वीडियोज हमारे चैनल पे है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्पाइसी गॉसिप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर हॉलीवुड के सारे टाइप के जो वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे आते हैं उसके सारे डिटेल्स हम वहां पर बताते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।